वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज इस वीडियो में बताएंगे वर्जन 3.1 स्विंग स्टेटर बैचिंग प्लांट में ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका HMI से बताएंगे, जैसे आपका कंप्यूटर खराब है और पैनल से कैसे चलाएं, कैसे इसके रेसिपी बनाएंगे और इसमें पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, और टेयर कैसे करें, टॉयलेंस मटेरियल इन एयर और बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में देंगे। और ये वीडियो नए लोगों के लिए है, कर दीजिए। सबसे पहले एस्केप वाली बटन को दो बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ निकल आया रेसिपी प्रोडक्शन रन, आप प्रोडक्शन में जाएंगे, जैसे 4MQ करना है 4MQ कर दीजिए, और 7 नंबर रेसिपी, जैसे जो ग्रेड चलाना हो अंदर वहाँ देख लीजिए खोल के, मैं 4 नंबर इंटर करके बता रहा हूँ, और इंटर यहाँ डाउनलोड पे इंटर कर दीजिए, ये रेसिपी सेट हो जाएगी। अब आप इधर से स्टार्ट मार सकते हैं। अब ये वाटर करेक्शन है और ये मॉइस्चर करेक्शन, यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो, जैसे 10 प्लस पानी चलाना है तो चला सकते हो। मॉइस्चर करेक्शन 1 करना है 1 कर सकते हो। ये मॉइस्चर करेक्शन ज़्यादातर बारिश में किया जाता है, क्यों, 1 मॉइस्चर करेक्शन का मतलब होता है 3 kg पानी 1 बैच में कम हो जाता है, और सेंड 3-4 kg 1 बैच में बढ़ जाता है। अब रेसिपी कैसे बनाएं, अब रेसिपी निकालेंगे और रेसिपी इंटर करेंगे, न्यू रेसिपी कैसे बनाएं। यहाँ पे जैसे कोई न्यू रेसिपी, इसमें बहुत सारी हैं, जैसे ये डाटा निकाल लिया, और यहाँ पे जैसे कोई भी एक रेसिपी बनाना है, M70, मैं इसमें बहुत सारे ग्रेड हैं तो जो ग्रेड ना हो वो मैं बता रहा हूँ, जैसे M70 का मैं बता रहा हूँ रेसिपी कैसे बनेगा। अब ये नंबर जो आपके इस पैनल में ना हो सीरियल नंबर रेसिपी में, वो डालना है यहाँ पे, जैसे ये 25 है, मैं 25 ही रहने देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी M70 कर लेना है। आप यहाँ मटेरियल डाल लेना है, यहाँ 600 kg पड़ा हुआ है, इसमें जो जितना भरना हो उतना डाल लीजिए। यहाँ से सेव कर लेना है, सेव हो गई रेसिपी। अब यहाँ देखना है M70 इसमें आ गई है। ये M70 आ गई। अब जैसे ये टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो एस्केप वाली बटन को 2 बार क्लिक करेंगे। अब कन्फेस टोटल, टोटल में जाएंगे, 1 बार और आगे जाएंगे। अब ये मिक्सर रन टाइम है, ये मिक्सर रन टाइम निकल आया और ये टोटल प्रोडक्शन यहाँ से निकलेगा।
आप मटेरियल इंजीनियर जैसे निकालना है बैच में जाएंगे। अब यहाँ एडमिन 999 पासवर्ड एडमिन डालना पड़ेगा। एडमिन हो गया, इंटर कर देना है नीचे 999। बैच में जाएंगे, ये बैच स्टेप इस स्टेप टाइम है और आगे जाएंगे ये मटेरियल इंजीनियर है। अब जैसे मटेरियल इंजीनियर का मतलब होता है जो जैसे अब 100 केजी है ये सेंड का दो नंबर में, अगर ये ज़्यादा ले रहा है और सेंड तो यहाँ पे टोलेंस बार बार आ रहा है तो यहाँ पे 110 कर देना है। यहाँ 100 है 110 कर दीजिए, मैं इंटर नहीं मारूंगा, मेरा प्लांट चल रहा है तो 10 के किलो बढ़ा देंगे तो जो बार बार टोलेंस सेंड ज़्यादा ले रहा है टोलेंस आ रहा है तो फिर सेंड ज़्यादा नहीं लेगा। ऐसे किसी चीज का भी कर सकते हैं। अब जैसे सेंड का गेट बार बार जैसे खुल बंद रहा है, बार बार खुलता बंद होता है तो उस समय क्या करेंगे, ये 90 है तो यहाँ पे 90 कर देंगे और इंटर कर देंगे, हम इंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्लांट चल रहा है। और ऐसे किसी चीज का भी अगर कम ज्यादा हो रहा है, बार बार गेट खुल बंद रहा है तो कम कर देंगे, अगर टोलेंस बार बार ले रहा है तो उसको बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे फिर टोलेंस नहीं लेगा। फिर आगे चलेंगे, ये जॉब ऑन टाइम है, ये जॉब ऑन ऑफ टाइम है, ये डिस्चार्ज टाइम है वाटर का और स्कीप डिस्चार्ज टाइम है। ये स्कीप टाइम 6 सेकेंड रहता है लेकिन मैंने 10 सेकेंड कर रखा है, आप 6 सेकेंड पे भी चला सकते हो। और बैच साइज यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हो बैच साइज। और मिक्सिंग मिक्सर का जो डिस्चार्ज पॉइंट 10 सेकेंड है, सीमेंट 3 सेकेंड है। और यहाँ से गेट चेंज कर सकते हो, जैसे आपका अब पहले खुलता है 10 mm, फिर सेंड और फिर 20 खुलता है, और 4 को 1 कर दोगे तो पहले 10 mm खुलेगा, फिर सेंड खुलेगा, और फिर पहले अगर 4 की जगह 1 कर दोगे तो पहले खुलेगा। यहाँ से गेट जैसे 4 की जगह 1 कर दिया और 1 की जगह 4 कर दोगे तो पहले 20 खुलेगा, फिर सेंड खुलेगा, फिर 10 खुलेगा। यहाँ से गेट चेंज किए जाते हैं। और टेयर का ऑप्शन काल है, ये टेयर, और टेयर यहां से निकालेंगे, एस्केप वाली बटन क्लिक करके F4 दाबेंगे और एक बार F4 और दाबेंगे, ये टेयर निकल आया। अब एडमिन 999 यहाँ भी पासवर्ड लगेगा, इंटर कर देंगे नीचे एरो से, ओके करेंगे। अब टेयर करना है, जो मेरा चालू प्लांट है तो मैं करके दिखा नहीं सकता, जैसे एग्रीगेट का F1 है और सीमेंट का F2 है और एडमिक्चर का F3 है, और जिसका जिसका करना हो तो क्लिक करके इंटर कर दो, टेयर हो जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टोलेंस निकाला है, टोलेंस निकालने के लिए एस्केप वाली बटन को 2 बार क्लिक करेंगे और कन्फेस में जाएंगे और ये टोल आ जाएगा टोल यहाँ से। अब जैसे किसी चीज़ का टोलेंस ले रहा है तो 20 ये 35 केजी तक लेगा एक नंबर तो टोलेंस नहीं आएगा, और सीमेंट का 15 केजी है, वाटर का 8 केजी, एडमिक्चर का 200 ग्राम है।
आप ऐसे कर सकते हैं। और की जो रहा है, जैसे आपने पानी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, जैसे 200 किलो ले लिया पानी डिस्चार्ज नहीं होता है, तो ये पंप कट ऑफ जो है ये मैंने कर रखा है 225 केजी है। तो आपका जैसे 200 है यहाँ पे, तो पानी 200 से ज़्यादा ले लेते हैं तो डिस्चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे जितना आपने 200-250 यहाँ कर सकते हैं, वैसे 200 तक ही रखा जाता है। अगर आपका पानी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो 250 आपने ले लिया है और पानी डिस्चार्ज, तो यहाँ पे 250 करके इंटर करके और वाटर फिट डिस्चार्ज हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और, एस्केप वाली बटन क्लिक करके कन्फेस पे क्लिक करेंगे, बैच में अकाल में जैसे जाना है आपको, तो ये है एग्रीगेट, ये इम्पटी वैल्यू है और ये एग्रीगेट की 100 केजी है, सीमेंट की 25, वाटर की 15 केजी। जैसे आपने कम कर रखा है तो इसकी में माल है जैसे 80 के 100 किलो से ऊपर तो होगा नहीं, जैसे आपका बाई चांस इसकी में स्कीप का माल रह जाता है, आपका कम है तो यहाँ पे बढ़ा लीजिए। और बस और तो कुछ है नहीं, यहाँ कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, और तो इतना कुछ है नहीं इसमें। और ये कीपैड है, कीपैड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो वाटर डिस्चार्ज का सिग्नल जल रहा है, अगर ये सिग्नल नहीं आ रहा है तो पानी नहीं लेगा, तो इसके लिए क्या रहता है, जो वाटर का बटरफ्लाई रहता है वहाँ पे सेंसर रहता है एक बगल में। अगर आपका नया प्लांट है तो सेंसर उस समय नए प्लांट में लगा रहता है, अगर पुराना हो जाता है तो सेंसर तार वार सेंसर काम नहीं करता, तो सेंसर काट, जो सेंसर वाला वायर है काट के और डायरेक्ट तीनों वायर आपस में जोड़ देते हैं, तो ये लाइट अगर सिग्नल नहीं आ रहा है तो फिर सिग्नल आने लगेगा। और ऐसे ही सीमेंट का है, अगर सीमेंट का भी सिग्नल नहीं आ रहा है तो सीमेंट नहीं लेगा। इसका ये मतलब रहता है, पीएलसी को ये सिग्नल जाता है कि गेट हमारा खुला है, तो उसके लिए अगर सेंसर काम नहीं कर रहा है तो वायर काट देंगे और डायरेक्ट तीनों वायर आपस में जोड़ देंगे, ये सिग्नल आने लगेगा। और थैंक यू सो मच। और आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।